में फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। एंड दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 के बारे में। क्या दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S24 आप लोगों के लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट एंड दोस्तों पावरफुल स्मार्टफोन बन सकता है? अगर दोस्तों एक आप लोग मिनी कॉम्पैक्ट एंड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S24 आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों मार्केट में और भी सारे मिनी स्मार्टफोन आते हैं, जैसे कि दोस्तों आईफोन 11 मिनी हो गया, आईफोन 12 मिनी एंड 12 प्लस हो गया, एंड दोस्तों 13, 14, 15 में भी आप लोगों को मिनी एंड प्लस वाले वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। पर दोस्तों सैमसंग S24 में ऐसा क्या खास है जो दोस्तों इन सारे स्मार्टफोन से इनको अलग ले जाता है? तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वाली वीडियो में। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट से बात करते हैं, अगर इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोग जानती हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज अभी लेटेस्ट ही 18 जनवरी 2024 को लॉन्च हुई है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉइड वर्जन 14 देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग सैमसंग के अपडेट्स को जानते हैं कितने ज्यादा फास्ट होते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आप सैमसंग One UI 6.1 का अपडेट भी देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों जल्दी S24 में भी ये अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग का बिल्कुल लेटेस्ट एंड मोर पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है, सैमसंग का Exynos 2400 प्रोसेसर जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसी दोस्तों आर्किटेक्चर पर हम लोग का Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर बेस्ड है जो कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में लगा हुआ है। एंड दोस्तों अगर आगे बढ़े बात करें अगर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों डिस्प्ले के साइज से ही पता चलता है ये स्मार्टफोन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना पावरफुल है। पावरफुल तो दोस्तों प्रोसेसर से पता चलता है। अगर दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में तो 6.2 इंचेस का आप लोगों को FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों यहां पर मेरे को हल्का सा डाउनफॉल लगा है। अगर दोस्तों यहां पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो दोस्तों ये बेस्ट ऑप्शन बन सकता था। एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। HDR10+ को ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों 120 हर्ट्ज का आप लोगों को यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आगे बढ़े कैमरा के बारे में, भले ही दोस्तों ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है पर दोस्तों इसका कैमरा इतना ज्यादा कैपेबल है ना कि दोस्तों कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर ये आराम से दे सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगकर आ चुका है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों 10 मेगापिक्सल का आप लोगों को यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों आप लोग 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। एंड दोस्तों आप लोगों को OIS का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो फ्रंट कैमरा भी दोस्तों उतना ही पावरफुल है, 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग 2K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि ये कॉम्पैक्ट फोन है तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बैटरी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 4000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दे दी गई है, पर दोस्तों सैमसंग का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर सैमसंग Exynos 2400 होने के साथ साथ बैटरी को इतनी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करता है ना जो दोस्तों आप लोगों की पूरे डेली लाइफ यूसेज में बैटरी दोस्तों आराम से आप लोगों की चलने वाली है। एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 25 वॉट की चार्जिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों रैम के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें लेटेस्ट LPDDR5X रैम लगा है। एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों जो मेन हाईलाइट हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों कॉम्पैक्ट फोन के प्राइसिंग के बारे में। भले दोस्तों एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है पर दोस्तों एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, सो दोस्तों प्राइसिंग भी उतनी ज्यादा फ्लैगशिप होती है। अगर दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर तो दोस्तों 8x256GB का वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर 79999 में देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों 8x512GB वाला वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर 89999 में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं अदर देन आईफोन्स एंड अदर देन अदर ब्रांड्स तो दोस्तों सैमसंग आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 जो आप लोगों के लिए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही एक कॉम्पैक्ट फोन है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता ही है 7 ईयर के मेजर अपडेट्स देखने को आप लोगों को सैमसंग में मिल जाएंगे। एंड दोस्तों टाइम टू टाइम एंड दोस्तों जल्दी अपडेट्स आप लोगों को सैमसंग में देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों AI फीचर्स भी आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। भले दोस्तों ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है पर दोस्तों परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए सैमसंग गैलेक्सी S24 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो दोस्तों आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी S24 कैसा लगा? एंड दोस्तों अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने वो वाली भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक दोस्तों आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।